मेरे प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी, योगी इसलिए है कि ये जुड़ना जानता है, मिलजुल के जीना जानता है, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझता है, सारी आत्माएं जीवात्मा को अपनी भावनाओं के समान सम्मानित करता है, प्रेम करता है, आदर करता है और समो की खुशहाली के लिए दिन रात ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान एटीट्यूड से उनको प्रेरित करता है कि लड़ाई झगड़े मुसीबत का कारण होता है, अहंकार सर्वनाश का जड़ होता है। इसीलिए पुतिन हो, बाइडेन हो, जेलेंस्की हो या जितने भी लड़ाई झगड़े करने वाले राष्ट्र के नेता हैं, उन सबों से निवेदन है कि भाई लड़ाई तुमने देखा होगा, इतिहास के पन्नों को पलटो, जब भी युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ तो पूरी पृथ्वी रोती रही, कलपती रही, बिखलती रही, यहाँ के धन जन सारे साधन का सर्वनाश हुआ, यहाँ तक कि परमाणु हमला हुआ हिरोशिमा नागासाकी पर, आज भी वहाँ के निर्दोष लोग अभी भी अपंग पैदा होते हैं, अभी भी वहाँ प्रदूषण है, वहाँ न्यूक्लियर हैजार्ड्स का रेडिएशन है, विकिरण है, जिससे कि लोग तबाही के अभी भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये अहंकारी, हिंदुस्तानी शब्दों में कहें तो ये रावण कंस दुर्योधन ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि अहंकार से अपने आप को दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति समझते हैं। ये प्राचीन काल से ही चल रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट और द्रोही अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया में खून की नदियां बहा दी। एक महान योद्धा का मखौटा पहन के उन्हें मानवता का तांडव नृत्य किया। भारत की पवित्र भूमि इन गद्दारों से, आक्रांताओं से पीड़ित रहा। इसको लूटने, इसको बर्बाद करने, इसको तोड़ने, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को तहस नहस करने के लिए अनेक अनेक इस्लामिक दुष्ट यहाँ आए। तैमूरलेन हो या बाबर हो या गोरी हो या गजनी हो, ये सारे दुष्ट ने जानवरों की प्रवृत्ति से प्रेरित होके हिंदुस्तान की सीट बजा दी, यहाँ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, यहाँ की धन व्यवस्था सारे को सर्वनाश कर दिया, वर्षों तक शासन किया मेरे भाई। और ये हिंदुस्तानी जिस प्रेरणा से मैं प्रेरित हूँ, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, यहाँ के हर जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य हमारे परिवार के सदस्य हैं, बहन और भाइयों हैं। हम इस प्रेम की भावना से आक्रांताओं का भी सम्मान करते रहे और हमें लूटते रहे, बर्बाद करते रहे। प्यारे दोस्तों, आज हमारा विश्व, ये हमारी पृथ्वी माता जो सबों के लिए संपन्न देती है, संपन्नता देती है, ये जो पृथ्वी है, यहाँ किसी के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इन मनुष्य जानवरों से भी गिरते हुए अपने सीमा को पार कर चुके हैं और ये दुष्ट लड़ने झगड़ने मारने काटने में लगे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग तो इसीलिए हैं कि इनकी शिक्षा ही ऐसे होती है, मारो काटो लूटो पाटो बलात्कार करो, दुनिया में खून की नदियां बहा दो और राज करो। ऐसे देश भी हैं, राष्ट्र भी हैं जो सोचते हैं मैं तो सर्वोत्तम हूँ, मेरे पास हथियार है, मेरे पास खतरनाक हथियार है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, एटॉमिक बम है, मैं इस बम से इन सुनहले रोड को सर्वनाश कर दूंगा, उस देश की ईंट से ईंट बजा दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा, जेलेंस्की को तो 2 मिनट में हम फतह कर लेंगे। पुतिन का यह अहंकार उसके देश को आज जमीन पर ले दिया, उसका अहंकार जो आसमान में था आज परेशान है और भयभीत होके बोलता है कि मैं तो एटॉमिक बम चला दूंगा। भाई साहब, पुतिन साहब, आप तो पहले ही भूल किए कि किसी को छोटा समझे, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना, क्योंकि जिस जेलेंस्की की बात कर रहे हो वो तो पागल दिवालिया है, वो तो जंगली कुत्ता से भी घिरा हुआ है, जिसे ये पता नहीं है कि दूसरे के बदौलत लड़ने झगड़ने वाले, अपने टांग में दम नहीं है, दूसरे के बैसाखी पर चलने वाले, तुमने कभी अपने माताओं बहनों भाइयों बेटियों अपने संस्थानों से अपने संस्था से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से प्यार किया होता। आज मेरा यूक्रेन, क्योंकि मैं तो योगी हूँ, पृथ्वी मेरा परिवार है, मेरा यूक्रेन और यूक्रेन के बहनों और भाइयों की दुर्दशा देखता हूँ, तहस नहस हो चुका है वो मेरा प्यारा सुनहला प्रदेश यूक्रेन, और इसको जलाने वाला है इसका राष्ट्रपति
दुर्योधन रावण कंस कुंभकर्ण बर्बाद कर रहा है हमारे देश को, और इसको कठपुतली बना के जो रशिया के दुश्मन रहे हैं अमेरिकन बाइडेन और नेटो अलायंस फोर्सेस पीछे से उसको समर्थन दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सेनाएं तक भी भेज रहे हैं, और पुतिन लड़ रहा है, सब साधन उसका बर्बाद हो रहा है, उसके महान से महान योद्धा मृत्यु लोक को पधार गए, अब थोड़े से जो बचे खुचे हैं वो भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन अकेले नहीं है, उसके साथ छुपे रुस्तम के रूप में नेटो की पूरी शक्ति है। प्यारे दोस्तों, मुखातिर हो रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ये विनाशकारी प्रवृत्ति जो कृष्ण ने कहा था दुर्योधन को, हाहा दुर्योधन बांध मुझे, अब शांति नहीं अब युद्ध होगा, ऐसा युद्ध होगा सर्वनाश होगा, खून बहेंगे, लाशों को गिद्ध खाएंगे, जय का जय जयकार नहीं, जग का सर्वनाश होगा, तुम्हारा विनाश होगा। मेरे भाई समझदार बनिए, कृष्ण की चेतावनी जो दुर्योधन को दिया था, ये आधुनिक कृष्ण मैं हूँ, फकीर योगी वीरेंद्र योगी, इस मानवता का संरक्षण, इस मानवता का कल्याण करने वाला, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझने वाला, हाथ जोड़ के सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड एवरीथिंग बेस्ट कहते हुए बता रहा हूँ, लड़ाई झगड़े में हमारा विनाश ही होगा, परिवार हो समाज हो देश हो, ये लड़ने झगड़ने वाले रोग इस पृथ्वी को नरक बना दिया है। मैं तो सबों से प्यार करता हूँ, लेकिन देखो हर जगह हाहाकार है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, बुद्धि विहीन हो गया, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बहने के अलावा इन्होंने नफरत नाराजगी काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को जगह दिया है, और पूरी पृथ्वी जल रही है। पृथ्वी को आवश्यक है मेरे जैसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और विवेकानंद जैसे विवेक और विचारों की, प्रेम से जीना सीखो, सहयोग की भावना से जियो, हम सभी जी सकते हैं, पृथ्वी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो उपाश्विकता है, वो दारिंदगी है, वो जानवर की जो जान स्वार्थवादी नीति है, अहंकार है, दुष्टता है, क्रूरता है, ये हमें ले डूबेगा। जागो मेरे दोस्त पुतिन, महारथी हो, मेरे भाई जो बाइडेन संभल जाओ, पुतिन भड़का रहा है, क्योंकि तुम उसको छोटा दिखाने के लिए उसके चारों तरफ इर्द गिर्द तुमने एटॉमिक हथियार तैनात किया है, और पुतिन अब मरने को तैयार है, मरता क्या नहीं करता, वो तुम्हें सबक सिखा देगा भाई, 6000 से ज्यादा उसके एटॉमिक भी बम हैं और सभी तैनात कर दिए गए हैं, केवल ट्रिगर दबाना है, और एक साथ जो बैड बॉय है उसका, बैड बॉय तुमने फैट बॉय चलवाए थे, वो बैड बॉय का अगर बटन दब गया ना, जितने भी तुम्हारे नेटो देश थे एक साथ धू के जलेगा, और सारी मानवता त्राही त्राही करेगी, चीख होंगे, खून बहेंगे, लाश चिथरे चिथरे हो जाएंगे, धरती में भयानक विस्फोट होगा, और फिर प्रलय का तांडव होगा, जिसे तुम देखते के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। इसीलिए निवेदन करता हूँ मेरे भाई, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा के प्रवाह में बहो, और हमारा जो योगिक सिद्धांत है, हम जुड़ें, हम सहयोग की भावना से जिए, हमारा जीवन सुख में हो, कल्याण में हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असदो मा सद्गम्यो, तमसो मा ज्योतिर्गम्यो, मृत्यु मा अमृतं गम्यो, संगच्छत्वं संपदत्वं समो मानासि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो आकुति समान हृदयानि वा समानोस्ति यथासु साधति, समानं मन्त्रः समिति समानं, समानं मनः स चित्तमेषां, समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रिये वह समय आने नो हमेशा जोमी। चलो भाई, ये सॉन्ग ऑफ यूनिटी है, ऋग्वेद का ये 191 वर्स है, इसीलिए
जो हिंदुस्तान में प्राचीन 10-20-30 वर्ष 1000 वर्ष पहले यहाँ के ज्ञानी महापुरुषों ने शांति का बिगुल बजाया था, जिसे बार बार दोहराया था, मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध जागो, मन में शांति, तन में शांति, समाज में शांति, परिवार में शांति, राज्य में शांति, देश में शांति, विश्व में शांति। शांति सांस है, शांति जीवन है, संग्राम विनाश है, युद्ध समों का अंत का सबसे अंतिम एक राक्षस है जो तुम्हें ग्रस लेगा। जियो भाई, थोड़े दिन के लिए आए हो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ से एक बंदी जंजीर, क्यों मरना चाहता है, क्यों मारने के लिए तत्पर है, शर्म करो बेशर्मो, नफरत नाराजगी काम क्रोध मद लोह मोह से दूर चले जाओ, नफरत नाराजगी के तख्त पर जो तुम्हारा अंधकार अंधविश्वास सर्वशक्तिमान अहंकार है उसे जला दो और आओ मेरे साथ सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस पृथ्वी को फिर से स्वर्ग बनाए और यहाँ सब लोग विश्व बंधुत्व की नारा से एक दूसरे को सहयोग करते हुए हर आंख की आंसू पोछें, जीव जंतु पशु पक्षी को भी बराबर का अधिकार दें, क्योंकि यही मेरा दोस्त इब्राहिम लिंकन कहा था, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, राइट्स ऑफ एवरी क्रिएचर्स ऑन अर्थ लिव इन परफेक्ट हार्मोनी विद लव अफेक्शन काइंडनेस कंपैशन ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ह्यूमिलिटी जेनरोसिटी, दिस इज द डिमांड ऑफ आवर जनरेशन, नॉट द वॉर, नॉट द हेट। थैंक यू।